हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो रहने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर हो, मतलब कि बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, एमए, एमएससी, एमए को, मतलब कि सेकंड या फिर सेमेस्टर हो या फिर ईयर वाइज एग्जाम हो, उनके लिए क्या जो लास्ट ईयर स्टूडेंट है, जो लास्ट ईयर है, ठीक है ना, जो अंतिम वर्ष के स्टूडेंट है उनकी जो परीक्षा है वो 27 अगस्त से होना प्रारंभ कर दी गई है। पहले की बात की जाए वो 20 अगस्त से थी, अब उन्होंने 27 अगस्त उसकी डेट बढ़ा दी है। उन्होंने एक बात और कर दी है मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या है मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट ईयर और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है उनके क्या है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों स्टूडेंटों के एक्चुअली रिजल्ट नहीं आएगा। फर्स्ट ईयर और जो सेकेंड ईयर वाले जो इस वर्ष हैं उनके रिजल्ट नहीं आएगा, केवल थर्ड ईयर वालों का ही रिजल्ट देंगे, ठीक है ना, ये उन्होंने घोषित किया है। साथ ही साथ ये बैठक हुई थी आपकी मंगलवार को, ये निश्चित हो गया है, ठीक है ना। और एग्ज़ाम की बात करिए 27 अगस्त को होंगे या नहीं होंगे, ये 17 अगस्त को क्लियर होगा, कोरोना वायरस को देखते हुए, कोरोना केस को, मतलब कि जो यूनिवर्सिटी है उसमें कोरोना जो केस हैं वो 35 केस निकल चुके हैं पॉजिटिव, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि जब तक 17 तारीख को वो क्लियर बता देंगे कि आपको 27 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है या नहीं, ठीक है ना, तो 17 अगस्त को आपको वेट करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपकी तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी। और बात करूं कितने क्वेश्चन आएंगे पेपर में, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको करना होगा, दो क्वेश्चन लॉन्ग आएंगे उसमें से एक करना होगा, 4 शॉर्ट आएंगे उसमें से 2 शॉर्ट करने होंगे, 5 आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। नंबर मतलब कि टोटल जो क्वेश्चन पेपर होगा वो उतना ही नंबर का होगा जितना होता है, 33 आपका 50-50 नंबर का होता है, जो भी नंबर का होता है वो आपका रहेगा। साथ ही साथ जो है आपकी क्वेश्चन 2 घंटे गए, एक्चुअली पूरे क्वेश्चन को 2 घंटे में पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा, टाइमिंग 2 घंटे होगी। तो यहाँ देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको बता दूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट से रहने वाली है और आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए रोहलखंड यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर छात्रों के प्रमोट करने का जो फार्मूला था वो तैयार कर लिया है। तो जो प्रमोट करने का जो फार्मूला उन्होंने बनाया था, किस प्रकार से प्रमोट करेंगे, कितने नंबर देंगे उन्हें, तो वो फार्मूला उन्होंने तैयार कर लिया है। और कह रहा है शासन के गाइडलाइन के जो अनुसार या आधार पर कमेटी प्रमोट करने के नियमावली तैयार कर दी है। मंगलवार को परीक्षा समिति ने बैठक में इस, ठीक है ना, देखिए ये क्या है, मोहर लगा दिए। तो जो परीक्षा समिति है उसमें बैठक में क्या है, मोहर लगा दिए कि भाई हाँ ठीक है, बच्चों को इस प्रकार से प्रमोट करो, उन्होंने कुछ फार्मूला तैयार किया है। तो उसमें आपको वो फार्मूला आपको बताने वाला हूँ कैसे कैसे तैयार किया है। तो याद रखिए आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों का क्या है, रिजल्ट नहीं आएगा इस वर्ष, मतलब कि जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो सेकेंड ईयर में रिजल्ट आएगा, मतलब कि जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं जो वो सेकेंड ईयर की तैयारी करना स्टार्ट कर दें अभी से, ठीक है ना, सेकेंड ईयर का पढ़ें, उनको कोई पेपर नहीं देना है, उन्हें वो प्रमोट हो गए। लेकिन हाँ, जब वो फर्स्ट ईयर वाले जो सेकेंड ईयर में पेपर देंगे और उसमें उसकी 50% आती है तो फर्स्ट ईयर में भी उसकी 50% ही देंगे, ये उन्होंने बात कही है। यदि जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट अब की हैं जो पेपर देने वाले थे और वो थर्ड ईयर में नेक्स्ट ईयर 2021 में जो एग्ज़ाम देंगे, ठीक है ना, 2021 में एग्जाम देंगे थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर में उनकी 55% आती है तो सेकेंड ईयर में भी उनकी 55% रखी जाएगी, ये उनका फार्मूला रहा है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना है कि आपको, देखिए आप परसेंटेज को खींच सकते हैं, यदि आप अभी से तैयारी करते हैं नेक्स्ट ईयर की और अच्छी परसेंटेज लेके आते हैं तो आप बहुत अच्छे रहेंगे। और आप पता है, देखिए आपको 55, यदि आपने 60% बनाई तो 60% आपकी सेकंड ईयर रहेगी, फर्स्ट ईयर रहेगी, ठीक है ना, मतलब कि आपको नेक्स्ट ईयर जो अगले ये जो आप 2021 में एग्जाम दोगे उसके ही सेम टू सेम आपको नंबर दिए जाएंगे। यहाँ वो चीज़ फार्मूला तैयार किया गया है यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है ना, तो मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। और यहाँ कह रहा है कि दूसरी ओर जो 20 अगस्त को होने वाली परीक्षा थी वो मुख्य परीक्षा 27 अगस्त को कराने पर समृद्धि बनी है। तो क्या है, 27 अगस्त को कर, पहले तो 20 तारीख को करानी थी वो 27 को कराने की बात कही है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय की मंगलवार को कुलपति के प्रोफेसर और जो अनिल शुक्ल हैं उनकी अध्यक्षता में परीक्षा समिति की बैठक हुई और उन्होंने, देखिए यहाँ कह रहा है, फाइनल ईयर की परीक्षाओं को आयोजित फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो परीक्षार्थी होते हैं जो छात्र थे उनको प्रमोट करने के लिए लेकर तैयार किया, नियमानुसार प्रस्तुत किया गया है। तो उन्होंने क्या क्या तैयार किया है वो आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को, तो मैंने आपको बता चुका है। देखिए उन्होंने कहा है कि नियमानुसार क्या हुआ है कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के जिन छात्रों की परीक्षाएँ पूरी नहीं हो पाई हैं ऐसे छात्रों को सेकेंड ईयर में प्रवेश
दिया जाएगा, मतलब कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को प्रमोट कर दिया गया, पूरी तरीके से रिजल्ट नहीं आएगा इस वर्ष, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर में है वो सेकेंड ईयर पहुंच गए, जो सेकेंड ईयर में है वो थर्ड ईयर में पहुंच गए। अब उनको क्या है भाई, पहुंच गए अब तो क्या है, नेक्स्ट ईयर की आप तैयारी करिए, ठीक है ना। तो कह रहा है पहुंच गए, तो कह रहा है वे सेकेंड ईयर के परीक्षा देंगे, मतलब कि कह रहा है जो फर्स्ट ईयर के हैं वो सेकेंड ईयर की परीक्षा देंगे और जो सेकेंड ईयर के हैं वो थर्ड ईयर की परीक्षा देंगे और इनमें से नंबर मिलेंगे। मतलब क्या है, उन्होंने ये भी कह दिया कि जिन छात्रों की परीक्षा पूरी नहीं हुई ऐसे छात्रों को सेकेंड ईयर में प्रवेश दिया जाएगा और ये सेकेंड ईयर की परीक्षा देंगे और यहाँ कहा गया है उसमें ही नंबर को मिलेंगे। तो क्या है, उसके ही आधार पर आपको क्या है नंबर दिए जाएंगे। यदि आपको फर्स्ट ईयर में हो, आपके पेपर नहीं हुए हैं, आप सेकेंड ईयर में जाओगे और सेकेंड ईयर में आपको पेपर दोगे और उसके यदि आपके 50% आई तो आपको क्या है फर्स्ट ईयर में भी 50% दी जाएगी। यदि आप इस वर्ष सेकेंड ईयर में हो, आप थर्ड ईयर में आओगे और थर्ड ईयर में 2021 में आप पेपर दोगे, ठीक है ना, और आपकी वहाँ 70% आई तो आपको सेकेंड ईयर में भी 70% दी जाएगी। ये उन्होंने फैसला लिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा इस आधार पर प्रथम द्वितीय वर्षों के अंकों की गणना की जाएगी। तो इसी आधार पर क्या है, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के जो अंक हैं उनकी गणना की जाएगी और प्रथम और द्वितीय वर्ष के जिन छात्रों को पर देखिए अधेरे रह गए, मतलब कि अधूरे रह गए, जो पेपर अधूरे रह गए उनकी तो बात ही नहीं है, वही सब का इसका वही प्रोसेस रहेगा उन सभी का जिनके हुए हैं या नहीं लेकिन वो प्रमोट कर दिए गए पूरी तरीके से। वो अब की रिजल्ट नहीं आएगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आएगा, इस बात को याद रखना है। उन्होंने कुछ पॉइंट और कहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने कहा है कोरोना काल में विभिन्न देखिए मीटिंग हुई थी जो यूनिवर्सिटी में, बीबी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी में मीटिंग हुई थी। रोहलखंड में 35 कॉल पॉजिटिव बने हैं, कर्मचारी हैं उनको 35 लोग पॉजिटिव निकले हैं और इसके बाद में परीक्षा समिति की मीटिंग देखिए कमेटी हाल ही में कराई गई, ठीक है ना, और जब 35 लोग निकले तो उन्होंने हाल ही में कराई गई और परीक्षाओं ने देखिए शिक्षकों ने कहा कि जब कार्यवाही में देखिए ऑनलाइन कराने की बात थी लेकिन फिर भी उन्होंने ऑफलाइन क्या था बैठक हुई थी। पेपर के माध्यम रूप में तैयार कर 6 सदस्य कमेटी बैठाई गई है। आपका जो पेपर बनाएगी उन्होंने पेपर पूरा चेंज होगा, ठीक है, पूरा पेपर चेंज होगा। यहाँ कह रहा है फाइनल ईयर के परीक्षा 3 घंटे के बजाय 2 घंटे में कराई जाएगी। प्रश्नों की संख्या कम की जाएगी। पहले जो मैंने आपको बताया क्या क्या रहने वाला है, 1 लॉन्ग रहेगा, 2 शॉर्ट रहेंगे और 5 ऑब्जेक्टिव डबल रहेंगे, ठीक है ना। तो आप ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट दिए हैं वो देख लीजिए और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट दिए हैं लॉन्ग और शॉर्ट के ऊपर 20 क्वेश्चन दिए हैं वो 20 क्वेश्चन आपको याद ही होंगे, मुझे पता है, आप उन्हें रटते रहिए। उन्होंने कहा है देखिए 27 को होगी समीक्षा बैठक। देखिए 27 को पता चल जाएगा क्लियर कि आपको 17 को आपको पता चल जाएगा कि आपको 27 अगस्त को पेपर होना है या नहीं, ठीक है ना। तो याद रखना, यहाँ उन्होंने कहा विश्वविद्यालय में 27 अगस्त को परीक्षा भले ही देखिए प्रस्तावित कर दी हो लेकिन कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए 17 अगस्त को समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी। तो सभी लोग 17 अगस्त को बैठेंगे और तब वो बताएंगे कि बताओ कोरोना का हाल कैसा है, यदि बढ़िया है ठीक है ना तो क्या है, देखिए ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा आपकी परीक्षा नहीं होगी और कम बढ़ेगा तो आपकी परीक्षा होगी, ठीक है ना। तो ये थी आज की न्यूज़ और कुछ अपडेट अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताने वाला हूँ, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। वो क्या है जो एक्चुअली एडमिशन नहीं, वो आपको परीक्षा फॉर्म से लेकर कुछ नोटिस आए हुए हैं जो सेमेस्टर वाइज स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपके लिए उसके आधार पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।